मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 23 नवंबर को इसका नतीजा निकलने वाला है। किस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव होगा, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में दो बड़े बड़े अलायंस है, एक इंडिया अलायंस है और दूसरा महायुति है। आपको बता दें, जिस तरीके से देश का माहौल चल रहा है, खास करके मुसलमानों को, दलित दबे कुछ लोगों को जिस तरीके से भाजपा प्रताड़ित कर रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि इस बार भी जिस तरीके से पार्लियामेंट के चुनाव में जो नतीजे सामने आए थे, बिल्कुल उसके तर्ज पे ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए पूरी कोशिश की जा रही। तमाम पार्टी के अलायंस भी इस महाविकास आघाड़ी के साथ है। आपको बता दें, कलवा मुमरा विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार जो शरद चंद्र पवार पक्ष के उम्मीदवार है, डॉक्टर जितेंद्र पवार जो 3 बार से लगातार यहां से जीतते आए हैं, 4थी बार उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और इस बार भी उनको जिताने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। इस मौके पर इस अलायंस महाविकास आघाड़ी के साथ समाजवादी पार्टी का भी पूरा समर्थन है। कल यानी 7 नवंबर को समाजवादी पार्टी के मुमरा कार्यालय में उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी, हमने उनसे बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। समाजवादी पार्टी जो है वो MVA को समर्थन कर रही है। हम हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब के इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे थे। जैसे ही उनका हमें इंस्ट्रक्शन आया कि हमें महाविकास आघाड़ी के साथ रहना है और उनको सपोर्ट करना है, तो इसीलिए फौरन यहाँ पे मीटिंग ली गई और हमारी पार्टी कार्यालय पे जितेंद्र अवार्ड साहब अभी आ भी रहे हैं। कुछ देर में पहुँचेंगे वो यहाँ पर। और हम लोग देखिए ये चाह रहे हैं कि भाई जो नबी का नहीं है वो हमारा नहीं, तो इसलिए कहीं ना कहीं आज BJP सरकार, अगर हम लोग अपने वोटों को बांट देते हैं तो ये कहीं ना कहीं फिर से जो है वो BJP अपनी सरकार बनाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि भाई महाविकास आघाड़ी की सरकार बने, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो जो है मुस्लिम कम्युनिटी को जितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा BJP की सरकार बनने के बाद में हर तरफ मॉब लिंचिंग है और इस तरह के जो मुस्लिम लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है पर्सनली, ये सब चीज़ें पे रोक लगाने के लिए हमको वन साइडेड महाविकास आघाड़ी को ही जिताना है। हम समाजवादी के झंडे और बैनर पे जो हो सके उनका प्रचार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ महाविकास आघाड़ी के लिए। वोटर से तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपने आप को, अपने वोट की अहमियत को समझें, अपने वोट को बांटे नहीं, और जितना भी हो सके महाविकास आघाड़ी को यही हमको समर्थन करना है। इसीलिए हमको जो जितेंद्र अवार्ड को ही वोट देना है, तुतारी को वोट दे, ताकि जितेंद्र अवार्ड को जिताया जा सके। मुमरा दौसा शहर में ये बात चल रही है कि इस बार मुमरा शहर में मुस्लिम आमदार, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सिर्फ मुस्लिम आमदार होने से क्या हो जाएगा, हमको मुमरा को नहीं बचाना है। हमको अगर मुमरा को बचाना है ना, आप लोगों को मुमरा की जनता से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको मुमरा को बचाना है ना तो नगर सेवक के इलेक्शन में दिखाइए अपना सारा जोर, जितना दिखा सकते हो, अपने वोट का जितना भी आप लोग दीजिए ना। हम प्रॉपर NCP का समर्थन नहीं करते, हम महाविकास आघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बने, ताकि BJP जिस तरीके से उनकी जो धांधली चली हुई है ना, इस पर रोक लगाए। इसलिए हम इनको जो है वो चाह रहे हैं कि भाई जितेंद्र अवार्ड को हमको जिताना है। और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई दूसरी पार्टी को समर्थन में बहुत सारे लोग अपने वोट को बटने ना दें, मेरी हर वोटर से यही रिक्वेस्ट है कि आज हम लोग हमारे वोट्स को बटने ना दें, जितना भी हो सके वन साइडेड इस तरीके से लाए कि भाई आज देखिए NCP अजीत पवार गुट के जो जगन भुजवल हैं, वो जाके जिन्होंने नबी की शान में गुस्तागी की है उनसे जाके मुलाकात करके आते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या जो मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए हैं वो अजीत पवार गुट के अंदर उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाए कि नहीं, बताइए? जब वो उसके ऊपर कुछ आवाज़ ही नहीं उठा सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, हमको सोल्यूशन ही नहीं दे सकते, तो हम उसके लिए वहाँ पर वोट दे के हमारे वोट को क्यों बांटें?
आज हमारे अगर वोट बढ़ गए तो इसका बीजेपी को फ़ायदा जाएगा, जो कि हमको नहीं जाने देना है। हमारे पार्टी लीडर जनाब वासिम आजमी साहब का आदेश आया कि कलवामूरा विधानसभा में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र वाड़ का पार्टी सपोर्ट करे बिला शर्त और पूरी ताकत के साथ। तो आज हमने जो है अपने सारे साथियों को यहाँ पे जमा किया। जमा करने के बाद समीम खान साहब से बात हुई और उनको टाइम बताया गया, तो बोले कि ठीक है अवार्ड साहब आएंगे। तो अभी इस विधानसभा के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब कुछ ही देर में हमारे ऑफिस में आने वाले हैं और आज पार्टी ऑफिस से ऐलान होगा कि समाजवादी पार्टी कलवामूरा विधानसभा से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र वार का सपोर्ट करेंगे। नहीं, ऑलरेडी पार्टी समाजवादी पार्टी तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है और चूँकि पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में जिस तरह की नफरती राजनीति हो रही है, उस राजनीति को ख़त्म करने के लिए, नफ़रत की दीवार को तोड़ने के लिए हम सब के लीडर जनाब अबू वासिम आजमी साहब ने इलेक्शन से पहले 10 से 12 सीटों का पूरे महाराष्ट्र में डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो सीटें बैठ नहीं पाई, हमको नहीं मिली। उसके बाद भी हमारे पार्टी लीडर ने सारी चीज़ों को कुर्बान करते हुए कहा कि नहीं, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा रहेंगे और इंडिया अलायंस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी जो है पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के साथ है, मजबूती के साथ है, और समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग जो है इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के लिए रात दिन एक करके मेहनत करेंगे। फिर जानकारी का अभी तक तो ये नहीं अपने को कि इकरा हसन और अखिलेश यादव जी यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो है हम सब के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इकरा हसन सांसद, या और भी उत्तर प्रदेश से कई सारे मेरे साथी जो है, अभी मेरे एक दोस्त MLA उन्होंने फ़ोन किया, वो लोग भी आने वाले हैं। कई सांसद और MLA जो है उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आएंगे और डेरा डालेंगे और इस बात के लिए प्रचार करेंगे कि आप लोग इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को वोट दो ताकि यहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार बने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हमारे हुजूर के ऊपर टिप्पणी करने वाले गिरि महाराज को जाके सराहा और ये कहा कि इस तरह के लोगों का रहना ज़रूरी है, हम उसके खिलाफ़ हैं। आज जो भाजपा गठबंधन से जो लोग आ रहे हैं हमारे मोहल्लों में आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप हमें वोट कर दो, हम आपके हैं, लेकिन वो जब कल विधानसभा में जाएंगे, आज भी उनके लोग जो है उनके साथ हमारे लोग जो है वहाँ पे मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने कभी शिंदे सरकार का विरोध नहीं किया कि आपने क्यों सपोर्ट किया उसको जाके गिरि महाराज को। जिस तरह से पूरे देश में सेकुलर बनाम कम्युनल का मामला चल रहा है, सारे लोग जो है दलित, पिछड़ा, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक सारे लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार भी वही हवा चलेगी और महाराष्ट्र से जो है भाजपा गठबंधन सरकार का सफाया हो जाएगा।